हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी के हमारे टॉप ब्रेकआउट शेयर ऑफ द वीक वाले वीडियो में। यहाँ पे तकरीबन आपको 9 से 10 बहुत ही बढ़िया शेयर मिलेंगे, जिसमें आप बढ़िया से स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा 15 से 20% का मुनाफा स्विंग ट्रेडिंग में और थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग में जो बड़े चार्ट है उसमें 25 से 40% तक का मुनाफा कमा पाए। तो इसको ध्यान से कि को लेवल के हिसाब से ध्यान से पढ़िएगा। लेवल के साथ साथ आपको मेरी कमेंट्री उसमें ज़्यादा सुननी है, जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है श्री सीमेंट, बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये, फंडामेंटल वाइज भी बहुत ही बढ़िया। देखिए इसका चार्ट, देखिए यहाँ पर टॉप बना था, फिर यहाँ पे क्या किया, इसने नीचे आया, कंटिन्यूअसली ऊपर होल्ड करता रहा, नीचे आया लेकिन उसका सामने ही वो ऊपर की ओर आ गया। और अभी देखिए बहुत ही अच्छी वेव के अंदर इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें आप डेफिनेटली ट्रेकआउट कर सकते हैं। जैसे ये पिछला हाई इसका कट डाउन होता है, आपको क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, जैसे हाई निकलता है आप इसमें डेफिनेटली एंट्री कर सकते हैं। 26,000 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं, 25,000 का क्लोजिंग बेजिस डेली पे क्लोज आना चाहिए, यानी कि 3:15 के बाद। जब भी मैं क्लोजिंग बताता हूँ यानी कि 3:15 PM के बाद अगर वो स्टॉक जो बताया गया लेवल से नीचे काम कर रहा हूँ, मतलब उसका क्लोजिंग प्रॉबेबली वहीं आएगा, तो हमको वहाँ पे स्टॉप लॉस से काट लेना है अगर आ जाए तो। लेकिन आपको टारगेट मिल सकते हैं 27,000 और 29,000 के, टारगेट वन होने के बाद आपको 50% बुक करके बाकी का आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग अपनी कॉस्ट पे लेके आना है। ये था पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरमेश, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। भी देखिए यहाँ पर टॉप बनाया, यहाँ पर रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम आएगा तो डेफिनेटली ये वीक होगा ही, और अभी कंटिन्यूस धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। चांस बहुत ज़्यादा है कि अभी ऊपर की ओर काट जाएगा, अगर काटता है, अगर 4,900 के ऊपर निकलता है तो आप डेफिनेटली इसमें एंट्री कर सकते हैं। 43,40 का आप इसके क्लोजिंग में जैसे लगा देंगे, 5,150 और 5,500 का आप यहाँ पे टारगेट में रख सकते हैं। चार्ट बहुत ही सुंदर दिख रहा है, लेकिन जब तक इसके ऊपर ना जाए तब तक आपको इसमें एंट्री लेनी नहीं है, यानी कि यहाँ पे आए, यहाँ पे, यहाँ पे आपको लगे कि क्या मस्त नीचे प्राइस में मिल रहा है, ऐसा देख के आपको लेना नहीं है। जब तक प्राइस कुछ ना बोले आपको एक्शन नहीं लेनी है। उसके बाद है सन फार्मा, वन ऑफ द गुड स्टॉक इन फार्मा। सिप्ला और सन फार्मा यही दोनों स्टॉक है जो फार्मा सेक्टर जो अभी नीचे की ओर जा रहा है पूरा का पूरा 2 साल से, लेकिन ये दोनों स्टॉक ऊपर की ओर शिफ्ट होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ में बढ़िया हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसने बनाया पूरा का पूरा एक बॉक्स, और अभी बॉक्स के निचले स्तर पर खड़ा हुआ है, तो आपको क्या यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए? नहीं, क्योंकि यहाँ से तोड़ भी सकता है और ऊपर भी जा सकता है। कन्फर्मेशन कहाँ पे आएगी? सीधा अगर ये वाला हाई निकलता है तो यहाँ पे कन्फर्मेशन आ जाएगी, यानी कि 1,010 के ऊपर जैसे ही निकलेगा आपकी कन्फर्मेशन आ जाएगी अभी ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है वापस। यहाँ पे ये मुड़ता है या नहीं वो आगे जाके देखेंगे, लेकिन यहाँ तक तो यह जाएगा ही पक्की बात अगर इसको निकाल दिया तो। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप 980 का क्लोजिंग भी ऐसा लगा लेंगे और 1,250 के लिए डेफिनेटली इसको ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे ये अब की बार आया तो चांस बहुत ज़्यादा कि इसको काट जाएगा, एक बार, दो बार, तीसरी बार मोस्ट टाइम काट ही जाता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो पूरा का पूरा वीक हो गया होगा। उसके बाद है MGL, देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया है, गैस सेक्टर का है, 2-3 साल से तकरीबन ये अंडर परफॉर्म सारे गैस के स्टॉक कर रहे हो, सारे गैस के स्टॉक में स्पॉट थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, उसमें सबसे जो बढ़िया है वो MGL। देखिए कंटिन्यूसली ऊपर की ओर रेंज बना रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है साइडवेज, लेकिन शिफ्ट उसकी ऊपर की ओर चल रही है, तो अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है तो डेफिनेटली इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग ना आए आपको एंट्री नहीं करनी, जैसे आ जाएगी आपको इसमें दमदार एंट्री कर सकते हैं। 900 का क्लोजिंग में ऐसे लगा दीजिएगा, 35 रुपये का रिस्क है सिर्फ और सिर्फ, और आपको टारगेट यहाँ पर तकरीबन 125 से ज़्यादा मिल सकता है, 165 रुपये का आपके लिए यहाँ पे टारगेट। तो रिस्क रिवॉर्ड आपका सबसे फेवरेबल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और ये सारे टारगेट जो मैं बता रहा हूँ वो विद इन शॉर्ट टाइम में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं वही स्टॉक ढूंढ के लाया हूँ। तकरीबन मैं 500 से 700 स्टॉक में से ढूंढे हैं सारे के सारे, कि जिसमें आपको मोमेंटम तेज मिलेगा, ऐसा नहीं कि एंट्री के बाद ये स्टॉक वहाँ पर खड़ा हो जाएगा, आपको मोमेंटम तेज मिलेगा। यही इसलिए क्योंकि स्टॉक लिस्ट में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वही ढूंढे हैं जो मोमेंटम दिखा सके, क्योंकि वो बहुत टाइम से खड़े हुए हैं। आप देखेंगे मोस्ट स्टॉक में वही लाया हूँ जो खड़े हुए थे पहले। वन ऑफ द बेस्ट इज लिंडे। लिंडे को हमने यहाँ भी ट्रेड किया था, पूरा टारगेट यहाँ पे अचीव भी किया था, पिछला वीडियो देख सकते हैं, पिछले दो वीडियो से पहले यहाँ पे जब ये डेट थी कुछ थी वहीं पे हमने एंट्री यहाँ पे ली थी, उसका टारगेट भी बुक कर लिया था। अब क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये था रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो चांस है कि यहाँ पे कप एंड हैंडल जैसा कुछ बनाए या फिर सीधा यहाँ से काट जाए। अगर काटेगा और रुकेगा 3800 के अगर ऊपर रुकता है तब भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। 100 रुपये का आपका एसएल रहेगा, 300 रुपये का आपके यहाँ टारगेट है, 1:3 का आपका बन जाएगा रिस्क रिवॉर्ड, जो कि बहुत ही फेवरेबल है इस तरह के स्टॉक में, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आता है फिनोलेक्स केबल, देखिए इसका है वीकली चार्ट। अब तक जो हमने देखे वो सारे थे कौन से, डेली चार्ट, तो आपको उसके हिसाब से देखना। अब आते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आपको टारगेट बड़े बड़े मिलेंगे, तो आपको थोड़ा होल्डिंग पीरियड बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आप 3 से 4 वीक का जो व्यू है वो लेके चल सकते हैं। डेली स्टॉक में तो आपको तकरीबन 5 से 10 दिन का व्यू रखना है, लेकिन फिनोलेक्स जो वीकली चार्ट है उसमें आपको व्यू थोड़ा बड़ा रखना है। ये देखिए यहाँ पे था रेजिस्टेंस,
ये लिया। देखिए जो मैं बात कर रहा था लिंडे की, वही यहाँ पे हुआ। देखिए प्रॉपर कप एंड हैंडल, और कप एंड हैंडल का यहाँ पे बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया है। तो क्या हम यहाँ पे टॉप पे ले ले? अगर यहाँ पे हम लेंगे तो होगा क्या कि जो हमारा एसएल है वो तकरीबन यहाँ पे आएगा, तो हमारा जो एसएल ही इतना बड़ा हो जाएगा तो टारगेट कितना बड़ा रखेंगे? पहली बात हो, अगर एसएल हिट हो गया तो हमारा बड़ा खासा लॉस हो जाएगा। हमको क्या करना है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट यहाँ पे अगर लेता है, अगर 625 के आसपास मिलता है, अभी चल रहा है 681, इसके लिए सिर्फ थोड़ा बहुत ही काफ़ी, 2 दिन नीचे आ जाएगा तो आपका आ जाएगा एंट्री प्राइस। तो अगर 625 630 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा, पॉइंट वो है यहाँ पे नहीं लेने का। 580 का आप लगा देंगे ऐसे, 745 मिनिमम टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो इसके लिए आप चेज कर सकते हैं फिनोल्स केबल को। जो भी ये स्टॉक दिखा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया चल सकते हैं, आप देखिएगा कौन सा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज देखिए, तकरीबन कप पे हैंडल जिसे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए सेम टू सेम 2760 के ऊपर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यानी कि आई गया, लेकिन ये जो हाई है उसके ऊपर जैसे निकल जाता है, मे बी मंडे को निकल ही जाएगा। अगर निकलता है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली एंट्री बना सकते हैं। 2600 का लगा देंगे आप क्लोजिंग में, जैसे 3000 के टारगेट मिनिमम यहाँ पे होंगे, और उसके लिए आप डेफिनेटली चेज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम भी यहाँ पे इसने बनाया है, तो डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हैं। फिर है कोल इंडिया, इसको हमने पहले भी ट्रेड किया था, बहुत ही बढ़िया है, इसको मैं मोस्टली लेके आता हूँ। स्लो मूवर है लेकिन आपको अच्छा खासा गेन देता है। ये था रेजिस्टेंस, यहाँ पे आया ब्रेकआउट, ऊपर की ओर गया, ये लिया सपोर्ट, ऊपर की ओर गया, देखिए फिर अभी यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ, जो रेजिस्टेंस था वो बन गया अभी यहाँ पे सपोर्ट, और सपोर्ट के आसपास आपको ग्रीन कैंडल भी दिखी है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो जैसे ये हाई क्रॉस होता है 220 का, 220 के ऊपर जैसे निकलता है आपकी कन्फर्मेशन आ जाए कि हाँ ये अभी ऊपर की ओर निकल रहा है। यहाँ पे वापस मान लीजिए डबल टॉप बने कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमको इतना गेन तो मिल ही जाएगा इतने स्टॉप लॉस के अंदर, तो हमारे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 1:3 जितना हो जाएगा। तो 205 का क्लोजिंग में जैसे लगा कि 220 के ऊपर आपको इसमें एंट्री लेनी है, 260 का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हैं। और उसमें वहाँ पर देखिएगा 260 आने के बाद पूरा बुक नहीं करना है, देखना है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेता है या फिर इसको ब्रेकआउट देता है। अगर ब्रेकआउट देगा 280 तक ही जा सकता है, आप इसको लंबा सोचना है। UPL बहुत टाइम से खड़ा हुआ है सर, बहुत ही ज़्यादा टाइम से, स्टॉक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर सेक्टर का है, और बहुत ही टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। और ये जो वेव है तकरीबन एक तरह की, कौन सी वेव है, इसको बोलते हैं फ्लैट वेव, क्योंकि ये स्टॉक प्राइस में ज़्यादा टूटा नहीं है। आप देखेंगे इसे सारा कसा यहाँ पर टाइम बिताया और कुछ नहीं किया। जो स्टॉक अच्छे होते हैं जिनको हम अच्छी वैल्यूएशन पर रखते हैं, वो मोस्टली प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करता है, टाइम वाइज करेक्शन नहीं करता है। जो ये कर रहा है वो प्राइस नहीं गिराते, क्योंकि टाइम अगर रखेंगे तो यहाँ पे सबको एक कॉस्टली ही लगेगा, कोई लेगा नहीं, लोग बोलेंगे कि ये तो हाई तो इसका 800 है, अभी 770 पे खड़ा हुआ है तो क्या टूटा है, नीचे हमको मिल नहीं रहा। लेकिन लोगों की टेंडेंसी होती है कि 50% गिर जाए, 60% गिर जाए, तब हम स्टॉक लेते हैं, है ना। तो ये अच्छे स्टॉक उसे मौके देते नहीं। तो अगर इस बार ब्रेकआउट आ जाएगा तो यहाँ पर बहुत ही तेज भागेगा, जितना यहाँ पे इसने आपका घी निकाला अगर किसी के पास है तो, वो उतनी तेज से आपका रिटर्न यहाँ पे बढ़ा देगा। 805 के ऊपर जैसे निकलता है आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। 750 का रख दीजिए क्लोजिंग बेसिस एसएल, और 1000 रुपीज़ का यहाँ पर टारगेट आपको मिनिमम देखने को मिल सकता है। तो इसको डेफिनेटली आप देखिएगा। UPL वन ऑफ द गुड स्टॉक है इस लिस्ट में से, तो उसको आपको देखना ही है। फिर है परसिस्टेंट सिस्टम, IT सेक्टर बहुत ही अच्छा चलने वाला है, मिड कैप IT तो उसमें स्पेशली बहुत अच्छा चलने वाले, बहुत सारे स्टॉक तो ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गए हैं, जिसमें वन ऑफ द वन है परसिस्टेंट सिस्टम। ये है रेजिस्टेंस, नीचे आया, पूरा काम किया, इसको हमने ट्रेड किया था यहाँ पे, अच्छा खासा टारगेट भी लिया। अब क्या है कि यहाँ पे वापस खड़ा हो गया है, अच्छी खासी कैंडल भी मिल गई है। अगर इसके ऊपर एक क्लोज कर देता है 5050 के ऊपर, अगर ये क्लोजिंग करेगा तो और नई वेव यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ये पूरा करेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा और नई वेव स्टार्ट होगी, जो तकरीबन इसको 6000 तक लेके जाएगी। तो उसको हमको पूरा का पूरा राइड करना है, छोटा सा एसएल लगा दीजिए, राइड कीजिए, और जैसे ऊपर बढ़ता रहता है अपने एसएल जो है वो आपको कंटिन्यूसली ऊपर की ओर शिफ्ट करते रहना है। और मैं सारा आपको टारगेट दे दूंगा किसके अंदर, टेलीग्राम के अंदर। अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें भी आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। उसके बाद है सिप्ला, पहले बात की थी सन फार्मा की, उसका हमने देखा था डेली चार्ट, यहाँ पे आ गए सिप्ला, ये है वीकली चार्ट, देखिए ये भी ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। अब अदर फार्मा स्टॉक देखेंगे वो सारे के सारे अच्छा खासा करेक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये दो स्टॉक मोस्टली सिप्ला है और सन फार्मा ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जो दिखा रहे कि उनका अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा बढ़ रहा है, अच्छा स्टॉक है। ये कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, और अभी भी आप देखेंगे कंटिन्यूसली यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे आपको वीक निकलने को मिली है, जो दिखा रहा है यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट मिलने का कंफर्मेशन कब आएगा, जब इसके ऊपर ही निकलेगा, जैसे ही निकलता है ये बन जाएगा आपका इतना एसएल और आपका बन जाएगा इतना बड़ा टारगेट। तो रिस्क रिवॉर्ड आपका तकरीबन 1:3 to 3.5 जितना यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही फेवरेबल है। तो डेफिनेटली आप इसके अंदर थोड़ा बहुत नज़र रख सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। KPITech टेक देखिए, ये भी है किसका, IT स्टॉक, मिड कैप IT स्टॉक, देखिए ये था, वापस देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे देखिए कप एंड हैंडल बस्ते बन गया है, देखिए निकल गया
एक दोजी बना दी, वे ऊपर कर निकल सकता है। जैसे दोजी का हाई कट होगा ये वापस ऐसी बड़ी देखेगा, जैसे इसका हाई कट होगा ये ऐसी दो ऐसी बड़ी मोरू बोजू कैंडल बनाएगा, ये बात पक्की है। तो आप इसको डेफिनेट चेज कर सकते हैं 875 के ऊपर, जैसे ही निकलेगा आप इसको बाय कर लीजिएगा। 775 का 100 रुपये का बन जाएगा आपका SL 1000 रुपीज़। इसके लिए मिनिमम याद रखिएगा, राउंड लेवल इसलिए इसके दे रहा हूँ, ये मिनिमम है। यहाँ पे आपको 50% बुक कर लेना है, बाकी का जो बचेगा उसका आपका SL हो जाएगा कॉस्ट पे, यानी कि जिस प्राइस पे आप बाय कर रहे हैं, यानी कि 875, और उसको राइड कीजिए। ये पूरा करेक्शन किया है इसने, अब ये ऊपर की ओर निकल सकता है बहुत ही अच्छा खासा, तो इसको आप डेफिनेटली देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक की सूची खत्म हो रही है, सभी स्टॉक हमने देख लिए, सभी के सभी बहुत बढ़िया है। वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है सर, बहुत अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको ट्रैक कीजिए, अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते आप डेली ट्रैक कीजिए इसको, क्या ऐसा मोमेंटम आ रहा है, कैसे मिल रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे बिल्ड होकर आप अपने आप से सीख सकते हैं इसको, है ना सर। चलिए, थैंक यू।